प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, आजकल आप देख रहे हैं, आए दिन ये बात हम देखते हैं कि हनुमान चालीसा पर विवाद हो रहा है। कहीं लाउड स्पीकर पर अजान दी जा रही है तो उसके कंपैरिजन में वहां हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है, यानी कहीं ना कहीं हनुमान चालीसा को केंद्र बिंदु बना करके राजनीति हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, आज से पहले ऐसा क्यों नहीं हुआ और इसके परिणाम क्या होंगे, और ये इस समय पर ही क्यों हो रहा है और कब तक ये होता रहेगा, इसके संदर्भ में मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर एक ज्योतिषीय आकलन अवश्य दूंगा। दर्शकों, चीज को समझते हैं कि इस ब्रह्मांड में 9 ग्रह हैं, 9 ग्रहों में 2 छाया ग्रह हैं और बाकी के 7 ग्रह अपना अस्तित्व रखते हैं। ऐसे में जब भी नया वर्ष आरंभ होता है, यानी कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन जब हमारा नया संवत्सर शुरू होता है, यानी नया साल आरंभ होता है, तब ब्रह्मांड के अंदर ग्रहों की परिस्थिति के आधार पर एक मंत्रिमंडल का गठन होता है। जो लोग एस्ट्रोलॉजी जानते हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि इस साल का मंत्रिमंडल कैसा है। ऐसे में इस बार मंगल को कोई भी बड़ा कार्य नहीं दिया गया है, और पिछले साल मंगल राजा भी था और मंत्री भी था। ऐसे में पिछले साल मंगल को बहुत बड़े रोल दिए गए थे और उसके लिए उसने अपनी पूरी भूमिका भी इस ब्रह्मांड में निभाई थी, और आपने देखा कि कैसे कोविड की दूसरी लहर भी आई और बहुत बड़ा नरसंहार भी हमने देखा, युद्ध जैसी स्थितियां भी देखी, बहुत सारी परिस्थितियों का निर्माण हुआ था। लेकिन इस साल मंगल को ऐसा कोई रोल नहीं दिया गया, और साथ ही इस साल के राजा किसे बनाया गया, यानी शनि को बनाया गया। ऐसे में ब्रह्मांड में मंगल की एनर्जी का प्रभुत्व में नहीं होना तथा शनि की एनर्जी का अत्यधिक होना, यह एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जहां पर अन्याय के खिलाफ एक विद्रोह जरूर होगा, क्योंकि मंगल सेनापति है, सेना नायक है, और किसी भी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए मंगल अपना रोल बहुत अच्छी तरह से प्ले करता है। इसीलिए उसके पास कोई पावर हो या ना हो, तब भी वो अपना अस्तित्व बनाए रखता है। यही कारण है कि इस समय पर कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो समाज के लिए ठीक नहीं है। धार्मिक स्थलों पर या धार्मिक आयोजनों पर या धार्मिक रैलियों पर पथराव होना, हिंसा होना, आगजनी होना, ये जो घटनाएं हो रही हैं ये ठीक नहीं है, और इनके पीछे जिनका भी हाथ है वो कहीं ना कहीं भारत के माहौल को खराब करना चाहते हैं। ऐसे में अब चूंकि इस स्थिति को निपटने के लिए, इसको संभालने के लिए मंगल को कोई रोल यहां पर ब्रह्मांड में नहीं दिया गया है, और शनि न्याय प्रक्रिया को फॉलो करते हैं, यानी कि पहले मुकदमा दायर होगा, फिर इन्वेस्टिगेशन होगी, फिर सबूत आएंगे, फिर उस पर फैसला होगा, फिर आपको उसके दंड मिलेंगे। लेकिन मंगल ऐसा नहीं करता है। मंगल क्या कहता है, जैसे एक दो सैनिक आपस में लड़ते हैं तो वहां पर फैसले के लिए कोई तीसरा नहीं होता है, वो दोनों ही मिलकर तय करते हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, नहीं, जो प्रभावी होगा शक्तिशाली होगा वो जीतेगा, दूसरा हारेगा। इसी तरह का कार्य यहां पर मंगल भी कर रहा है, क्योंकि मंगल की एनर्जी अपने आप में एक ऐसी एनर्जी है जो अन्याय को बर्दाश्त नहीं करती है, और खासतौर पर वो शनि के न्यायिक व्यवस्था को तो फॉलो कभी भी नहीं करते हैं, क्योंकि इतना धैर्य रख के इतना धीरे धीरे लंबा न्याय ये काम करना मंगल का काम नहीं। इसीलिए उसको काउंटर करने के लिए मंगल की एनर्जी इस समय पर थोड़ी प्रबल अवश्य हो रही है, और ऐसे में उसको काउंटर करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ एक काउंटर के रूप में लेकर के आना, यह भी ग्रहों की एक स्थिति का ही परिणाम है। क्योंकि जहां शिथिलता होती है वहां पर कुछ एनर्जी लेवल को इंक्रीज करने के लिए मंगल की एनर्जी का प्रयोग
हमेशा होता आया है। इसीलिए जिनके मंगल अच्छे होते हैं वो बहादुरी के काम करते हैं, और जिनके मंगल खराब होते हैं वो डरपोक किस्म के लोग होते हैं। इसीलिए इस समय पर जो हनुमान चालीसा पर विवाद हो रहा है वो ग्रहों की परिस्थिति के अनुसार जो मंगल की स्थिति है और जो काम दूसरे लोग कर रहे हैं उनको काउंटर करने के लिए एक विशेष कॉम्बिनेशन ग्रहों का बनता है, जिसके कारण से इस तरह से उसका विरोध हो रहा है। जैसे मैं आपको एक बहुत छोटे से उदाहरण से समझाता हूं। आपने देखा होगा निर्भया कांड हुआ था, जिसने अपराध किया उसे पुलिस ने पकड़ा, न्यायिक व्यवस्था को फॉलो किया गया, उन्हें दंड भी मिला, लेकिन उसके साथ में एक काम और हो रहा था, और वो ये कि जनता जागरूक थी, उनमें आक्रोश था और वो इस घटना का पुरजोर विरोध कर रहे थे, और पूरे भारत के अंदर आपने ऐसा माहौल होते हुए देखा। यानी किसी भी व्यवस्था को ठीक करने के लिए दो तरह की प्रक्रियाएं होती हैं, एक न्यायिक प्रक्रिया होती है और एक जन आक्रोश होता है। जन आक्रोश यदि अधिक होगा तो न्यायिक व्यवस्थाएं भी अपना कार्य प्रभावी ढंग से करती है, अन्यथा ऐसे कांड तो बहुत होते आए हैं, लेकिन अगर जन आक्रोश नहीं होता है तो वो कहीं ना कहीं दब करके रह जाते हैं, लेकिन जन आक्रोश यदि साथ हो जाता है तो उस कार्य को करने के लिए, न्याय व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अदालतों को भी अपना काम प्रभावी ढंग से करना पड़ता है, और यही प्रक्रिया इस समय पर हो भी रही है। आज से पहले भी बहुत बार अत्याचार होते आए हैं, लेकिन अगर विरोध नहीं हुआ, उसका काउंटर नहीं हुआ, तो उनके हौसले बुलंद होते चले जाते हैं। लेकिन इस बार मंगल ऐसा नहीं करने देगा, क्योंकि पिछले साल का राजा है और शनि की न्याय प्रणाली भी अपनी जगह काम कर रही है, तो मंगल इस समय पर वही रोल प्ले कर रहा है जैसा जन आक्रोश के लिए होता है। और यही जन आक्रोश, मंगल की यही स्थिति शनि को न्याय करने के लिए विवश करेगी। दर्शकों, एक बहुत ही यूनिक कॉम्बिनेशन मैंने आपको ग्रहों का आज आपको दिया है कि किस तरह से ग्रहों की परिस्थितियां संसार में इंसान को किस तरह का कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, और ये जो हनुमान चालीसा पर विरोध हो रहा है और जो ये परिस्थितियां आप देख रहे हैं, ये जन आक्रोश ही है जो शनि को बाध्य करेंगे न्याय करने के लिए, और तभी न्याय प्रक्रिया पूर्ण भी होती है। बिना जन आक्रोश के बड़े न्यायिक फैसले कभी भी नहीं होते हैं, और इसे भी हमें इसी दृष्टिकोण से देखना भी चाहिए, क्योंकि मंगल चुपचाप अपनी आंखों के सामने अत्याचार होते हुए कभी भी नहीं देख सकता है, और इस समय पर मंगल वही रोल प्ले कर रहा है, अपने उच्च राशि में था और अभी आने वाले समय में वो अंगारक योग भी फिर बनाएगा। ऐसे में मंगल बहुत बड़ा अपना रोल प्ले कर रहा है, और मंगल की घटना और घटित होगी जिस पर मैं वीडियो अलग बनाऊंगा। यानी मंगल वृषभ राशि के अंदर भी बहुत लंबा समय बिताने वाले हैं अपने टेन्योर से कहीं ज्यादा, वो भी एक अलग रोचक घटना है, उसके संदर्भ में भी मैं आकलन आप लोगों के सामने अवश्य रखूंगा। लेकिन इस समय पर आपको ये बात बहुत अच्छी तरह समझ आ गई होगी कि जो ये हनुमान चालीसा को लेकर के विरोध और प्रतिरोध, ये जो चीज घटनाएं घटित हो रही हैं, ये न्यायिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, न्याय प्रणाली को अपना कार्य करने के लिए बाध्य करे, इसकी रूपरेखा के लिए हो रही है, क्योंकि ग्रहों का आकलन यही कहता है। उम्मीद करता हूं दर्शकों को मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो के अंदर आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।